क्या एक्शन है, नयनतारा जी भी एक्शन में। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए जवान मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन। और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज मेरे को लगा था शोकेस के बाद ये लोग नहीं निकालेंगे। वो जब प्रीव्यू आया था उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि कोई ट्रेलर जैसा कुछ आएगा, लेकिन इन्होंने अभी भी निकाल दिया है और कुछ ही दिन बचे हैं मूवी को आने में, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एंड मेन चीज ये है कि लाइक जवान मूवी का लाइक कैसे शाहरुख खान भी करते हैं, लाइक उन्होंने एक आश एसआर के करके किया एंड उसमें उन लोगों से पूछा, लोगों ने कहा ट्रेलर निकालो 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 जल्दी, और उन्होंने कल ही ऑडियो लॉन्च हुआ आज ट्रेलर निकाल दिया है। 11:58 पे निकाला, तो क्या इंटरेस्टिंग टाइम पे निकाला यार। ये टाइम पे हम लोग सोचते नहीं है कि ऐसे कभी ट्रेलर आएगा, बट लेकिन यार मजा आएगा देखने में। अभी इसके अंदर क्या क्या नई क्लिप्स दिखाते हैं, बिकॉज उसमें काफी क्वेश्चंस रह गए थे, और वो जो था ना वो तो एक शॉक ही था कि यहाँ पे वो गंजे हो गया, यहाँ पे ये हो गया है। इसमें पता चलेगा कि एक्चुअल स्टोरी चीज क्या हम देखने जाने वाले हैं, कि वही मतलब जो स्टोरी लाइन कैसी होगी, थोड़ा पर्सपेक्टिव पता चलेगा। इस टाइम से तो हम लोग अलग अलग स्टोरीज बनाए थे, जैसे हम लास्ट टाइम वो ग्लिम्पस देखा था कि ऐसे डबल रोल हो सकता है, फौजी हो सकता है, बहुत कुछ अलग अलग परसेप्शन थे। बहुत कल ऑडियो लॉन्च भी मैंने देखा, थोड़ा बहुत ही ग्लिम्पस ही देख पाई थी, बहुत अच्छा गया था। लाइक बहुत ज्यादा मायने पब्लिक आई थी और बहुत इंटरेक्शंस हुए थे सबके साथ, विजय सेतुपति सर के साथ और एटली सर के साथ, उन्होंने सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और सब कुछ बात की, तो बहुत मैंने सुना कि बहुत अच्छा गया था। इवन शाहरुख और अनुराग रविचंद्र का डांस भी था, मस्त हुआ था वही, तो ये बहुत बड़े लॉन्च हुआ था और मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था आज ही आ जाएगा। मुझे हमें भी कल ही पता चला था कि आज ही आ रहा है ट्रेलर, तो वो बहुत एक्साइटेड है। पानी से कम एक्साइटेड हूँ, पर हूँ मैं एक्साइटेड, मैं बोलती नहीं हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। और शाहरुख खान की मूवी है और शाहरुख खान की पठान के बाद अभी जवान आ रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। देखते हैं क्या होगा, सबका कैसे असर होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? राजा इतना गुस्सा क्यों है? चाहिए तो आलिया भट्ट। आहा, सब कुछ चाहिए। सब उसके फैन बने पड़े हैं मैम। ओए, सुनील ग्रोवर भी है, नाम है पुलिस वाला भी है, आर्मी मैन भी है। रेडी क्या एक्शन है, नयनतारा जी भी एक्शन में। कुछ ही लड़कियां, यही लड़की है, कुछ रोमांटिक होंगे मुझे इंप्रेस करने के लिए। हार जाओगे, हार तुम्हें पहले गया था। ओए, They wanted to make a clear statement. जब मैं विलेन बनता हूँ ना, hey, वाह, क्या लुक है, खतरनाक। My name is Kali. Kali. I am the fourth largest weapon dealer in the world. अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो लेट्स मेक इट डील। डबल ड्रा मतलब यंग ओल्ड होगा मुझे लगता है। जवान है, अपनी जान हजार बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किस नहीं। सो काली, नो डील। इस मूवी में क्या नहीं है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वाह, क्या स्पेक्टेकल है। अब और क्या चाहिए, एक गाना सुनाइए ना। क्या मस्त
मास और मास ट्रेलर था, इतनी सारी चीजें थी ना, हम लोग 2 मिनट सोच रहे थे क्या क्या था इसके अंदर, हमने वापस ट्रेलर देखा क्योंकि बिकॉज उसमें इतनी सारी चीजें दिखाई गई थी, हम लोग को वापस एक बार देखना पड़ा। एंड उसमें ये था कि भाई अभी पहले ये लग रहा था कि शायद विलन भी 2 है या हीरो भी 2 है, पर हीरो तो लगता है आगे पीछे है, बिकॉज लाइक वो कह रहा है ना बाप का बदला फिर बेटे से पहले बाप से तो मिल ले। तो शाहरुख खान को टाइम टाइम शॉट डबल रोल है, प्रॉपर डबल रोल, पर आई एम कंफ्यूज मतलब विजय सेतुपति का है या नहीं, क्योंकि दोनों रूप दिखाए गए, यंग भी दिखाया है और एकदम फुल वाइट है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट लुक है, मैंने पहली बार देखा है विजय सेतुपति सर का ऐसा लुक, तो सही में तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और नैनतारा जी की फुल फीमेल आर्मी बहुत खतरनाक लगी, वो लास्ट टाइम एक ग्लिम्पस देखा तब भी हमने इस बारे में टीजर में उस टाइम हमने बताया था कि वो पूरा खतरनाक लग रहा था, उनका वो एक अलग फीमेल पावर, एंड वो लग रहा है वो उनकी आर्मी नहीं है, आर्मी शाहरुख खान की है। हाँ मतलब वो उनकी अंडर काम कर रही है मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं लेकिन लास्ट में हमने देखा था वो उनको कॉन्टेक्ट कर, जैसे पुलिस चोर को कॉन्टेक्ट करती है ना, स्टार्टिंग में भी दिखाया नैनतारा जी से कॉन्टेक्ट कर रही थी, लास्ट में भी दिखाया, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूजन है कि मतलब वो इस साइड है, इस साइड है, उस साइड है, या फिर वो सिर्फ उनकी आर्मी उनकी उस साइड है। और बाद में जैसे लास्ट में दिखाया गया पहले वो एक्चुअली फौजी थे, उनके साइड से कुछ गलत हुआ है, वो काली ने कुछ गलत किया था लोग पब्लिक के साथ, तो शायद इसकी वजह से उनसे बदला लेने के लिए वो करके आए रूप चेंज करके, या फिर क्या उनके बाप के साथ ऐसा हुआ था, या अलग अलग वो थोड़ा कन्फ्यूजन है बहुत की एग्जैक्टली क्या है, बस स्टोरी लाइन थोड़ी समझ में आ रही है। और जब भी लेकिन ऐसी हॉस्टेज सिचुएशन वाली मूवी होती है ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इमोशन, बिकॉज हमने ऐसे बहुत सारी देखी होंगी, आप लोगों ने देखा होगा मनी हाइस्ट देखा होगा, ऐसे बहुत सारी हॉस्टेज सिचुएशन वाली मूवीज और सीरीज हमने देखी हुई है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बढ़िया इमोशन है कि शायद बच्चे को बहुत मारा गया या फिर कुछ किया गया, वो जवान था एक पुलिस का प्रॉपर और उसके साथ कुछ खराब किया गया, तो जिसकी वजह से उसका बदला लेने के लिए आया, तो प्रॉपर इमोशन रहेगा। और जो मेन चीज वो लगी ना कि ये मूवी में आप बोर रहने वाली कोई चीज ही नहीं है, लाइक शाहरुख खान की कॉमेडी कंटिन्यूअसली चल रही है, बीच बीच में थोड़े थोड़े लास्ट में जैसे वो बोले क्या चाहिए तुम्हें, मतलब मुझे गाना सुना के बताओ तो मैं बताऊं, वही अवस्था भैया। और इवन वो क्या, और तुम्हें क्या पसंद है, मुझे आलिया भट्ट पसंद है, और बीच में वो ने खांसते का हुआ तुम जोर से चला गए, फिर लास्ट में वो खांसने लग गए, छोटे छोटे वो कॉमेडी मूवमेंट भी है, तो आई सो बोरिंग नहीं होगा। एंड ये देखने के बाद एक मूवी में मेरे को वो चीज जरूर देखी है जब नैनतारा जी उनको कहती है कि कुछ रोमांटिक करके दिखाओ, तो रोमांस के किंग को कहा है कुछ रोमांटिक करने को, तो कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग किया होगा भाई। और नैनतारा जी उनका कपल तो बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त, और सही में शाहरुख खान ने बाल डाई करे हाँ वो तो थोड़ा तो करना ही पड़ता है, बट बहुत प्रॉपर लग रहा था। और लाइक ये है कि लाइक इसमें दीपिका का भी इम्पोर्टेंट रोल लग रहा है, ये नहीं था कि मेरे को लगता था छोटा सा ही होगा, बट कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज वो उनके साथ हैंग आउट कर रही थी, शाहरुख खान के साथ ही हैंग आउट कर रही थी, तो अब वो कौन से बड़े वाले के साथ है छोटे वाले के साथ है, कंफ्यूजन है उनका, सब मार के पूरा ऐसे उल्टा कर दिया था, वो भी उनका थोड़ा एक कॉम गेम ही होता है, और ये सॉन्ग भी है बीच में साइड से इन लोगों का, हाँ तो वो भी देखना पड़ेगा, सॉन्ग सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मुझे लगता है मूवी 2 बार देखने जाना पड़ेगा, पहली बार हूटिंग करने के लिए और दूसरी बार प्रॉपर देखने के लिए। सो आप लोगों को कैसा लगा आप एक कमेंट में जरूर बताएगा, ट्रेलर तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।